एक दो बार करके दिखा दिया नहीं सर, एक बार भी नहीं दिखाया नहीं सर। मतलब ये जो लाइव हो रहा है तो ये काम आपको लाइव दिखा रहे हैं? यस सर। इसका सलूशन कैसा चाहिए? बहुत बड़ा चाहिए कि चुटकी में चाहिए? चुटकी में सर। सही में? यस सर। चलिए सर, जैसा स्टूडेंट बोल रहे हैं वैसा ही करके हम दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश। देखो, हमेशा आपके मेंटेलिटी को रेडी रखना है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर हमें ट्राई जरूर करना है। क्या करना है? ट्राई। नहीं होगा तो ये करेंगे, नहीं होगा तो वो करेंगे, पर हमें एक नहीं कम से कम कई रास्ते होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कई रास्ते। तो सर, अब यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे किसी भी टूल से, बोलो किसी भी टूल से अनलॉक किया हो, अनलॉक किया हो और ये कंडीशन आ गया, सीधा आप यूएमटी खोलना, उसमें अपना ब्रांड मॉडल सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? जो मैंने बताया था वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो आपको लिए बताया हुआ है, फिलहाल ले लो। चलो ले लो मॉडल, जो मैंने बोला था। क्लियर है अभी? यस सर। चलो ले लो। ठीक है सर, यहाँ तक किस किस में क्लियर है? Yes. सभी का क्लियर है? Yes, sir. चलिए सर, अब ये आपके पास कभी भी फोन आए, अब आपको तो पता नहीं रहेगा कि ये क्या कंडीशन से आया है। Yes, sir. सीधा आपके पास इस कंडीशन का फोन आता है, डायरेक्ट यही प्रोसेस करना। डायरेक्ट क्या करना? यही प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस से हो गया तो ठीक, नहीं तो इसकी फ्लैश फाइल से बीएल फाइल क्या कर देना, फ्लैश। नहीं तो फिर इसका लास्ट सोल्यूशन यही है कि डेड बूट रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेड बूट रिपेयर। कभी डाटा केबल से पॉसिबल नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा कहां? ईएमसी क्लास में। ईएमसी की क्लास में कहां जाना पड़ेगा? वहां पे आपको बताया जाएगा डेड बूट रिपेयर विदाउट डम या विद डम, मतलब डम के साथ ही बताया जाएगा और विदाउट डम, तो वो सारा प्रोसेस लाइव बताया जाएगा, सारा प्रोसेस लाइव। तो फिलहाल अब जब ये ऐसा फोन आए, आपको डायरेक्ट इसी कंडीशन में फोन को क्या करना है? कनेक्ट। लो सर, कनेक्ट करो। चलिए, एक बार श्योर होने के लिए हम डिवाइस मैनेजर में चेक कर लेंगे कि पोर्ट बनाया कि नहीं। बना लिया पोर्ट यहाँ पे? यस सर। तो क्या करना था सर सबसे पहला प्रोसेस? क्या करना था सबसे पहला प्रोसेस? फोन को उसी कंडीशन में कनेक्ट करना है, फोन को उसी कंडीशन में कनेक्ट करना है। फिर टूल खोलना है और टूल खोलने का ब्रांड मॉडल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन दिया है सॉफ्ट अनब्रिक। क्या दिया है? समझ में आ रहा है? दिया बस यही पे क्लिक कर देंगे। ये क्या कर देंगे? चलो सर, देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अभी तक ओके है? अभी तक ओके है? लो सर, अब ये फोन जैसा था कस्टमर का वैसा हो गया। ये देखो, ये फोन जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में वापस क्या आ गया? आ गया। कैसा लगा छोटा सा? बहुत बढ़िया। क्लियर है यहाँ पे? लाइव करके दिखाया ना यहाँ पे? तो चलिए सर, अभी ये इसकी फारपी रिमूव नहीं हुई है, ये फोन जिस कंडीशन में रहा होगा उसी कंडीशन में वापस आ गया। तो ये रही एक छोटा सा टॉपिक सॉप अनब्रेक के बारे में, पर इनको केवल यही सोल्यूशन नहीं दिया है, आपको और भी सोल्यूशन दिया है। आपको मजा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है और जो स्टेबल होता है वो ही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है। और एक टाइम फीस दूंगा, जिंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है? थैंक यू वेरी मच।